नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है शकुंतला देवी, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। शकुंतला देवी एक 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जो गणितज्ञ शकुंतला देवी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। ये अनु मेनन द्वारा लिखित और निर्देशित है और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, अबुदंदिया एंटरटेनमेंट और जीनियस फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन शकुंतला देवी के रूप में, सान्या मल्होत्रा अमित साध और जीशु सेनगुप्त के साथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि बाल कलाकार संपादन चतुर्वेदी अपने पहली फिल्म में युवा शकुंतला के रूप में कैमियो उपस्थिति देती है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2019 में नवंबर 2019 तक हुई। मूल रूप से मई 2020 में सिनेमा रिलीज की योजना बनाई गई थी। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई थी। बाद में फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं, और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में बदल कर मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया, उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहां तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की जिद करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्दी तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने के बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती। अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है। इस डर में से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसकी पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है। वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में बदल कर मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक वेडिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी माँ पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ़ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्दी तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है। इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ़ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है। वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में बदल कर मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती। अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है। इस डर से वो एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु के व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाते हैं। वो अपनी माँ पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं, जिसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करते हैं। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सकें। शकुंतला अनुभव उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय को बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है। इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाती है और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपनी शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में बदल कर मदद करता है और उसे सो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं, जिसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाती है और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी माँ पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया, उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी माँ पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया, उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्दी तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है, जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है। अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी जिंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाती है और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्दी तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक वेडिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर में से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय को बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाती है और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपने प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और इसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती। अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है। इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी जिंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय को बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% ही दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाती है और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में बदल कर मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करते हैं। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उससे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहां उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक मां होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी मां के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक बोर्डिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है, जिसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय अभय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने का बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती। अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर से वो इस एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों को मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी मां पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई, जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था। भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करती है, वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं, और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाते हैं। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की जरूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया। उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों को विस्मित करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसे कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक वेडिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन बस जाते हैं, यहां तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करते हैं। इसके दोनों को करीब आने में मदद करती मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अजय कुमार से शादी करने का फैसला करती है। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने के बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय वो बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर में से वो एक अच्छी माँ नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर वारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, जैसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सकें। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक फिल्म की सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 की इर्द आधा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2021 की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में अनुपमा बनर्जी अपने पति अजय के साथ लंदन पहुंची और खुलासा किया कि वो अपनी मां शकुंतला देवी पर मुकदमा कर रही है। फिल्म 1930 के दशक के बेंगलुरु में शकुंतला देवी के बचपन में बदल जाते हैं और जहाँ उन्हें परिवार को उनके सर में जटिल गणितीय और समस्याओं की जल्दी से हल करने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतीक्षा का पता चलता है। उसके पिता विश्व शकुंतला की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करते हैं और उसे गणित शो करते हैं, जहां वो अपने समस्या को सुलझाने के कौशल से लोगों का मनोरंजन करते हैं। शकुंतला गणित के शो करने जारी रखता है और बड़े होने पर परिवार के लिए कमाती है, लेकिन अपने पिता पर उसे सामान्य बचपन नहीं जीने देने का आरोप लगाती है। वो अपनी माँ पर उसके साथ खड़े ना होने का आरोप भी लगाया है, खासकर अपनी बहन की मौत के बाद। 1954 में वो अपनी प्रेमी धीरज के साथ एक हिंसक विवाद के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। जब उसे पता चलता है कि उसके प्यार करने का नाटक कर रहा है था, भले ही उसकी शादी तय हो गई थी और उसे यहाँ तक कि नियंत्रण भी छप गए थे। लंदन में शकुंतला ताराबाई के साथ उसके घर में 3 अन्य भारतीय पुरुषों के साथ रहती है, लेकिन अपने शो के लिए अवसर खोजने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन वो अंततः एक स्पेनिश गणितज्ञ जेवियर को प्रभावित करने का प्रबंध करती है। जब वो लंदन में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में अपनी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। वो शकुंतला की अंग्रेजी में सुधार करने में मदद करता है और उसे शो पाने के मदद करते हैं और ये जोड़ी एक रिश्ते की शुरुआत भी करती है। शकुंतला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वो अन्य देशों में प्रदर्शन करने अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करती है और एक विश्वव्यापी हस्ती बन जाती है। इस सब के बीच जेवियर ने शकुंतला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करते हुए कहा कि उसे स्पेन लौटने की ज़रूरत है। 1968 में शकुंतला की मुलाकात परितोष बनर्जी से मुंबई में होती है और दोनों में जल्दी ही प्यार हो जाता है। दंपति अंततः शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू करने की आकांक्षा के साथ कोलकाता में बस जाते हैं। 1970 में शकुंतला ने अनुपमा को जन्म दिया और उसका नाम अनु रखा गया और एक माँ होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो शो करने से कितना चुकती है और अनु को परितोष के साथ छोड़कर अपने करियर की फिर से शुरू करने का फैसला करती है। शकुंतला लोगों के विस्मित करना जारी रखते हैं और यह कहता कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बना लेती है, लेकिन वो एक लापरवाह माँ होने की चिंता करती है। अंत में वो अनु को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का फैसला करती है, जो परितोष के लिए बहुत निराशाजनक है। ये जल्दी तलाक ले लेते हैं। अनु बड़ी होकर अपनी माँ के साथ दुनिया भर की यात्रा करती है। जैसा कि शकुंतला लगातार करियर के नए रास्ते तलाश करती है, अनु खुद को लगातार नज़रअंदाज करती है और अपने जीवन से सहमत करती है। अनु की एक वेडिंग स्कूल में नामांकित करने के बाद भी शकुंतला अनु के अपने साथ रखने के लिए हर अवसर का उपयोग करती है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब एक किशोर अनु अपनी मां पर अपने बचपन की कीमत पर अपना करियर बनाने के लिए फटकार लगाते हैं। जवाब में शकुंतला एक ब्रेक लेती है और अनु के साथ लंदन में बस जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का समर्थन भी करती है। इसके दोनों को करीब आने में मदद मिलती है। उनके रिश्ते में फिर से खटास आ जाती है जब एक वयस्क अनु एक व्यवसायी अभय कुमार से शादी करने का फैसला करते हैं। शकुंतला ने अजय को उसके बेंगलुरु में बसने के बावजूद उसके साथ लंदन जाने की उम्मीद के बारे में बताया। अनु अपनी मां पर आरोप लगाती है कि वो लगातार उसके पीठ थपथपा रही है और उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। शकुंतला अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती, अनु के व्यवसाय को बंद करने की धमकी देती है। अनु ने शकुंतला से सभी संपर्क काट दिए और अजय से शादी कर ली। वो बच्चे नहीं पैदा करने का फैसला करती है, इस डर में से वो एक अच्छी मां नहीं होगी। इसके बावजूद अनु ने एक बेटी अमृता को जन्म दिया। अनु और अजय को एक झटका लगता है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि शकुंतला ने अनु की व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए अपने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया, जबकि उसे लाभ का 0% की दिया। उसके अलावा उसने अनु को पूंजीगत लाभ कर लिया, भुगतान पर बारित कर दिया, जिससे उसका परिवार भारी कर्जे में डूब गया। अनु और अजय शकुंतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। उनके आने पर उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की हरकतें एक स्टंट थी, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि वो अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए मजबूर कर सके। शकुंतला अनु को उसके संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ देती है और उसे क्षमा मांगती है। अनु ने अपनी मां को माफ कर दिया और दोनों का भावनात्मक